वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. लाइक आई कॉन्ट टेल यू हाउ स्पेशल इट इज़. आपको टाइटल से पता है आई बॉट माई फर्स्ट होम इन मुंबई, जहाँ से मैं फिलहाल ये वीडियो बना रही हूँ. एंड ऑफकोर्स आप लोगों को पता, मेरी शादी हो गई थी तो निखिल और मेरा एक प्यारा सा घर है जो हमने साथ में बनाया. बट दिस हाउस होल्ड्स वेरी स्पेशल बिकॉज ये मेरा पहला घर है जो मैंने खुद से ख़रीदा है. एंड मेरा एक सपना था ऑलवेज कि मैं अपने मॉम डैड के लिए एक घर खरीदूँ. सो दिस हाउस बिलोंग्स टू देम. एंड यू नो लाइक कैसा है कि एज अ मिडिल क्लास गर्ल ग्रोइंग अप, आई हैव सीन सो मेनी स्ट्रगल, सो मेनी थिंग्स. एंड ऐसा था कि कितने हार्ड फेजेस देखे मेरे मॉम डैड ने. एंड माई मॉम एंड डैड रियली स्ट्रगल्ड टू गिव मी एंड निकिता द बेस्ट लाइफ दैट वी कुड गेट. तो बस एक ही सपना था जब से काम करना शुरू किया फ्रॉम द एज ऑफ 16, कि आई जस्ट नीड टू लाइक मेक मनी, सेव इट एंड गेट अ हाउस फॉर देम. एंड आई कॉन्ट बिलीव इट इट्स योर. एंड आई टेल यू अ फनी पार्ट कि ये वीडियो एक्चुअली गाइज 2021 में बनना था ऑन माई 26th बर्थडे, बिकॉज दैट्स वैन आई बुक दिस हाउस. ये वीडियो जो है एक्चुअली 2021 में बनना था व्हेन आई वाज 3 months प्रेग्नेंट विद स्काई. एंड मेरा 26th बर्थडे था उस दिन पे मैंने ये घर एक्चुअली बुक किया था. और मुझे बोला गया था कि ये दिसंबर में डिलीवर हो जाएगा मुझे ये घर, जस्ट व्हेन स्काई विल बी बॉर्न. तो मैं बहुत खुश थी कि यार फटफट मिल जाएगा. बट ऑफकोर्स बिकॉज दिस इज़ अ न्यूली बिल्ड सोसाइटी, एकदम फ्रेश सोसाइटी विद ऑल द एमिनिटीज, तो काफ़ी टाइम लग गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल, लाइक डिले होता है. बट बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज सो सैड. आपने अगर निखिल का व्लॉग फॉलो किया उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे बार बोलता था कि प्रॉब्लम चल रहा है प्रॉपर्टी का, ये वो, लाइक हिंट्स देता था. तो बेसिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी दैट आई इन्वेस्टेड इन. लेकिन बोलते हैं ना, जिसका टाइम होता है तभी मिलता है. तो फाइनली वो दिन आ गया 26th मार्च 2024, जब मुझे ये घर की चाबी मिल गई. एंड आई कॉन्ट टेल यू, आई थिंक आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज दिस इज जस्ट द परफेक्ट हाउस दैट आई वॉन्ट टू गिफ्ट माई पेरेंट्स. एंड यू नो लाइक हमने ये घर कैसे चूज किया, हमने इतने सारे फ्लैट्स देखे मलाड में यहाँ वहाँ, बिकॉज माई पेरेंट्स लिव इन मलाड. तो आई लाइक घर उधर ही लेंगे उनके लिए. बट देन निखिल टोल्ड मी, देख शानिस हमारा बच्चा हो रहा है, वाई डोंट यू थिंक वी गेट आर पेरेंट योर पेरेंट्स टू पवई. तो दिस बिल्डिंग इज इन पवई एज वेल, वेरी वेरी क्लोज टू आर हाउस, बेरली लाइक 5 minutes का ड्राइव. एक्चुअली 5 minutes का ड्राइव ही नहीं, वो लोग एकदम फटाफट यहाँ पे पहुँच जाते हैं. सो दैट्स वाई वी बॉट दिस हाउस. एंड ये घर जब मैं फाइनलाइज करी थी, निखिल ने मुझे कन्विंस किया कि ये घर बहुत अच्छा है, यही घर को लेता है. बिकॉज एक्चुअली पवई में हाउसेज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, इवन दो इट्स अ स्मॉल हाउस कंपेरेटिवली, बट आप बोलोगे कितना महंगा है. सो व्हेन आई बॉट दिस हाउस आई वाज लाइक ये मेरे बजट में फिट होता है तो यही लॉक करते हैं. मम्मी डैडी को भी दिखाया एंड फाइनली वी गॉट इट. अगर आप मुंबई से हो तो आप लोग को पता है कि मुंबई में घर जो है कितने एक्सपेंसिव हो गया है. टू इमेजिन कि यू कैन अफोर्ड अ हाउस इन मुंबई इज़ अ फ्रिकिंग बिग डील. एंड ऑनेस्टली मैं पूरा क्रेडिट निखिल को देती हूँ. जब मैं निखिल को 19 ईयर्स में मिली थी, व्हेन आई वाज 19 ईयर्स आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक. उसने मुझे बोला, मैंने कतर एयरवेज में भी शानिस यही किया था कि अपना 90% इनकम जो है ना सेविंग्स में डालने का, टच नहीं करने का. जो तेरा सबसे बड़ा सपना है वो वैसे ही पूरा होगा. तो मैंने एग्जैक्टली वही किया. उस टाइम पे जो मैं मॉडलिंग करती थी, एक्टिंग करती थी, जितने पैसे मुझे आते थे पूरा 90% मैं सेव करती थी. उसी के वजह से आई कुड एक्चुअली सेव अप द मनी टू बाय दिस एक्सपेंसिव हाउस. एंड आप लोगों को पता है कि जो पवई वाला एरिया है, दिस हाउस इज इन पवई बाय द वे, जो हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं उसके बहुत करीब है, लाइक लेस देन 5 मिनट्स एंड यू आर हियर. सो दैट वाज द होल आइडिया कि निखिल ने बोला शानिस से कभी हमारा बच्चा भी हो जाएगा तो यू नो व्हाई डोंट ब्रिंग योर मॉम एंड डैड हियर, बिकॉज मैं मलाड में उनके लिए घर ढूंढ रही थी. सो दिस इज़ अ वे बेटर ऑप्शन. आई थिंक माई मॉम एंड डैड ऑल्सो वेरी हैप्पी टू कम टू अस. एंड एक बार ये घर बन जाएगा सो आई थिंक मैं यहीं पे रहूँगी. सो फॉर मी दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डील, इट्स अ वेरी बिग पर्सनल अचीवमेंट. ऑफकोर्स गाइज मैं यहाँ पे अमाउंट और ये सब नहीं बताने वाली बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लाइक शो ऑफ और से कि इतना रुपये का घर है या जो भी है. वॉट एवर फिट माई बजट एट दैट मोमेंट आई बॉट इट. एंड अगर आप सोसाइटी को देखोगे ना, वैसे तो कि सोसाइटी में बहुत सारा जो है बैल्कनी एंड ऑल है. एंड मेरा जो विंग, जब मैं सोसाइटी में आई थी बुक करने के लिए, तो मेरा सेकेंड लास्ट विंग है. तो ऑलमोस्ट सारे फ्लैट्स जो है बहुत सारे बिक चुके थे ऑलरेडी. सो आई हैड वेरी फ्यू ऑप्शंस, बट मुझे सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड निखिल को भी बहुत अच्छी लगी. एंड ही कन्विंस मी दैट वी शुड गो फॉर दिस वन ओनली. एंड मैंने उनको पूछा, प्लीज़ आप मुझे वो बैल्कनी वाला घर दे दोगे क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ एक बैल्कनी के लिए, कैन यू बिलीव इट, जस्ट अ 40 square feet बैल्कनी के लिए यू हैव टू पे 50 lakh rupees मोर. एंड तभी इट वॉज गोइंग ओवर माई बजट. आई वॉज लाइक इतना पैसा मेरे पास नहीं है बॉस, अभी मैं यही घर लेती हूँ, बाद में बात का देख लेंगे. पर अभी जब मुझे 3 साल के बाद की चाबी मिली है, तो कल मैंने उनको बोला कोई घर है क्या अभी मेरे बजट में, मैं पैसा दे देती हूँ. तो बोलते सब का सब यूनिट जो है बिक गया है. सो आई से इट्स ओके, जो किस्मत में रहता है वो मिलता है. बट नन द लेस आई एम वेरी हैप्पी. एंड यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल सा क्लब हाउस है, जब हम फ्लैट देखने आए थे तो बस उन्होंने ऐसे ही बोला था हम लोग को ब्रोशर में कि ऐसे ऐसे बनेगा, पर एक्चुअल में बन गया और कितना खूबसूरत लग रहा है.
लाइक व्हेन यू वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग यू फील लाइक यू सराउंडेड बाय ग्रीनरी व्हिच इज़ अमेजिंग. और मेरी जो खुशी है, यू गाइस कैन नॉट इमेजिन हाउ हैप्पी आई एम. एंड अभी मैं आप लोगों को पूरा घर का टूर दूंगी, हाउ वी गॉट द कीज एंड एवरीथिंग वो दिखाऊंगी. सो यू गाइस गो एंजॉय दैट पार्ट. सो मच, थैंक यू. डेनिस Finally, वो दिन आ गया. Shannon ने रिबन काट दिया है. This is the key of the house. घर मिल चुका है for my mom and dad. Only dream, biggest dream of my life was to get a house for mom and dad. तो काफ़ी बहुत बड़ा घर नहीं है पर बहुत ही प्यारा सा अच्छा घर है. This is the kitchen area. Very lovely. खुशी जो इतनी हो रही है, मुझे बात करने नहीं हो रहा. Shannon fumble कर रही है. मैं आपको बोल देता हूँ, this is the kitchen area. बहुत बढ़िया है. यहाँ पर सर वॉशिंग मशीन रखने का एरिया है. ये भी काफ़ी अच्छा है. This is ये बाद में बताएंगे. लॉक है ये. यहाँ से जाओगे अंदर. थैंक यू. दिस इज द हॉल एरिया. दिस इज द हॉल. अ ब्यूटीफुल नाइस हॉल विद अमेजिंग लाइट एंड व्यू ऑफ द एयरपोर्ट. वो रहा एयरपोर्ट जो अभी आप लोगों को नहीं दिखेगा, बट बहुत ही शुमेश्वर है. जैसे ही लाइट्स डाउन हो जाती है, यू कैन सी द होल एयरपोर्ट शाइनिंग एंड ऑल द प्लेन्स टेकिंग ऑफ. इट्स ब्यूटीफुल. एंड अभी मैं लेके चलती हूँ आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ द हाउस में. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर इज अ गेस्ट वॉशरूम जो हम अच्छे से बनाएंगे, पूरे घर को अच्छे से बनाएंगे. एंड दिस इज अ स्मॉल बेडरूम इन विच डैडा इज गोइंग टू स्टे. मम्मी ने पहले बोल दिया कि बड़ा बेडरूम मेरा है, तो ये डैडी का बेडरूम होने वाला है. ये होता है शादी के कुछ सालों बाद का हाल. और फिर लेट मी टेक यू टू द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम आप देख सकते हो पूरे घर में लाइटिंग कितनी अच्छी है. बहुत अच्छी लाइटिंग है. एंड दिस इज द मास्टर वॉशरूम. सो बेसिकली इसलिए इतनी खुशी हो रही है टू हैव बॉट दिस हाउस विथ माई ओन मनी फॉर माई पेरेंट्स. एंड फाइनली दुनिया का मेरा सबसे बड़ा सपना जो है पूरा हो गया. आई एम सो हैप्पी. आई कैन नॉट टेल यू. Go. Congratulations. Thank you. The father is not happy. क्या हो रहा है? Actually आदमी लोग ऐसे होते हैं, जब ज़्यादा खुशी होती है ना एकदम पुतले बन जाते हैं. No emotions. Every man is the same. Me, my father. उसको बोला भाई साहब मेरा है, थोड़ा किसी का भी नहीं कुछ भी. Congratulations, Janice. Thank you. घर देख लिया तो ना विल शो यू ऑल द एमिनिटीज वी हैव इन अ ब्यूटीफुल सोसाइटी. एंड ऑफ कोर्स सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, बिल्डिंग का नाम कहाँ है एंड ऑल दैट, बट यू कैन नो कि हमारे घर से बहुत पास में 5 मिनट में मॉम एंड डैड. लोग बहुत चाहते रहे, लोगों को तो मालूम भी पड़ गया रहेगा, लोगों ने तो कमेंट करना भी शुरू कर दिया रहेगा. इट्स लाइक हॉप स्किप एंड जंप मम्मी डैडी के पास. ग्रीनरी देखो, वाओ ब्यूटीफुल. आगे चलते से बता जरा, पीछे मुड़ के बता जरा. वाओ गोल, इतना खूबसूरत लग रहा है. ऑफ कोर्स द बिल्डिंग द सोसाइटी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारी चीजें बनी नहीं है, पेंट नहीं हुआ है. मतलब सब बन गई है बिल्डिंग. देखो पीछे सब बनी हुई है, सामने बनी हुई है, हर जगह बन गई है, पर पेंट वेंट बाकी है. जो टेनिस वाला एरिया बस वही बचा हुआ है. yes. टेनिस स्क्वाश एरिया वो बन जाएगा तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी. ये देखो ना जिमनेजियम देखना, बाप रे बाप, बहुत मस्त लग रहा है यार. हम लोग वही जा रहे हैं पूल वाले एरिया में. रिमेम्बर हमने जब घर बुक किया था शानेस, ये सब कुछ बना नहीं था, कुछ भी नहीं था. एंड बताएंगे कभी बुक किया था? आई एक्चुअली बुक्ड इट व्हेन 2021 में 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी. मेरे बर्थडे के दिन पे मैंने बुक किया था. मुझे बोला गया था कि मुझे ये फ्लैट मिलेगा दिसंबर में, जब स्कायू पैदा हो होता है. डिले होता है, नॉर्मल है. पर काफ़ी डिले हो गया. तो जितना स्कायू का एज है 2 इयर्स 3 मंथ्स, उतना ही डिले हुआ है इस घर को बनने में, मिलने में. एंड लिटरली मैं और निकल फोन करते रहते कि हमारा घर कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा. या तो आप रेडी टू मूव इन घर लो, अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हो तो फिर बहुत रिस्की होता है, बट इसमें इतना डिले नहीं हुआ. मैं शानिस को बोल रहा था कि मैंने भी जब एक घर लिया था बहुत पहले,
उसमें तो 5 साल डिले हुआ था, विच इज नॉर्मल क्योंकि कोविड ओविड सब आ गया था ना। और जब इतने अच्छे एरिया में घर लेते हो ना गाइस, लाइक इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव हाउस, इवन दो इट्स स्मॉल, मुंबई के हिसाब से काफ़ी महंगा घर है ये। आप देख सकते हो मेरे पीछे वाले बिल्डिंग में बहुत सारे बैल्कनी है, बट मेरे फ्लैट में बैल्कनी नहीं है। तो व्हेन आई केम टू बुक दिस फ्लैट वाज एक्चुअली कॉस्टिंग मी विद द बैल्कनी 50 लाख रुपीज मोर। तभी मेरा बजट नहीं था, आई वाज लाइक कौन इतना महंगा लेगा, बट अभी आई एम लाइक शिट यार लेना चाहिए था मुझे, बिकॉज अभी मेरे बजट में है। और मुझे नहीं पता था कि इतने टाइम डिले होगा, बिकॉज यू नो आप अपने दिमाग में ऐसे प्लान करते हो कि इतने टाइम में मेरा इतना बजट है, उतना बजट है, बट कोई नहीं, अभी एक भी फ्लैट नहीं बाकी है जिसमें बैल्कनी है। आई टोल्ड देम थोड़ा एक्सचेंज कर दो, बट नहीं पॉसिबल है। मतलब ये ले लो नया घर और थोड़ा ऊपर का पैसा, बट ऑफ कोर्स गाड़ी नहीं ले रहे हम लोग, फ्लैट ले रहे हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। अभी क्लब हाउस देखेंगे। तो जिमनेजियम एरिया, ये मेरा कम निखिल का एरिया ज़्यादा है, तो बहुत खुश हो रहा होगा देख देख के, और स्काई भी वाह 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 वाह, नहीं पता क्यों कर रहे हैं। बिजनेस एरिया कुछ आपको मीटिंग वीटिंग करनी है तो वो कर सकते मीटिंग विद योर क्लाइंट्स, ये अच्छी चीज़ है। गेस्ट रूम निकिता, गेस्ट यहाँ पर आकर रहो, अपने पति को लेकर यहीं रहो, है ना। एंड दिस इज द पार्टी हॉल एरिया, जैसे आपने देखा था हमने स्काई का जो फर्स्ट बर्थडे किया था वो वाले घर में, यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया, इसमें भी कुछ सर्टेन अमाउंट आपको देना पड़ता है, यू कैन यूज दिस पार्टी रूम टू व्हाटएवर। गाइस कमिंग बैक टू प्रेजेंट, आप देख सकते हो ये सोसाइटी में बहुत सारे एमिनिटीज़ है। मुझे जेन्युइनली एक कोई ऐसा सोसाइटी चाहिए था जिसमें बहुत सारे अपडेटेड एमिनिटीज़ हो, बिकॉज चाहे मैंने ये घर अपने माँ बाप के लिए लिया हो अभी के लिए, दे विल बी लिविंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है फॉर स्कायू, दैट्स आर प्लान। ऑफकोर्स वंस यू बिकम अ पेरेंट आप ऐसे ही सोचते हो कि सब कुछ मेरे बच्चे का ही होने वाला है, तो दैट्स वाई वी वॉन्टेड एवरीथिंग विथ अमेनिटीज़, बिकॉज आई थिंक हमने बहुत सारे घर देखे, जो प्राइस मैंने इस घर के लिए भरा है उस बजट में मुझे काफ़ी बड़े घर मिल रहे थे, पर वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स था जिसमें कोई एमिनिटीज़ नहीं थी। सो आई वाज लाइक नो, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग फॉर दिस सोसाइटी जो एकदम अपडेटेड है टू व्हाटएवर यू नो पीपल वांट टुडे, बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, और इसका प्राइस जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है कम्पेयर टू व्हाट आई बॉट, सो टू मी इट्स अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। इस सोसाइटी में घर लेने का गाइस एक और प्लस पॉइंट है, सपोजिंग मुझे यहाँ पे शिफ्ट नहीं होना है या मेरे माँ बाप को शिफ्ट नहीं होना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा रेंट मिल रहा है, लाइक यू नो गाइस दैट्स अ वेरी हाई पेइंग सैलरी ऑफ समवन, उस जैसा रेंट मुझे मिल रहा है, सो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड मोर ओवर गाइस आपने देखा होगा घर जो है काफ़ी बना बना के दे दिया है लोग ने मुझे, लाइक सब कुछ तो अच्छा ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। निखिल मुझे बोला क्या करना है, चाहे सब अच्छा है, मॉम डैड भी कुछ नहीं करना है, कोई पैसे नहीं बर्बाद करने, बस ऐसे रहने को आएंगे, बट मैंने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर मैंने घर लिया है मेरा कोई बजट सेट नहीं है, पर इस घर को अच्छे से बनाओगी, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर आपने घर में शिफ्ट कर लिया, रहना शुरू कर दिया, उसके बाद में कोई घर नहीं बनता। तो आई टोल्ड माय पेरेंट्स 2 महीने रुक जाओ, लेट मी मेक द हाउस क्विकली, उसके बाद में शिफ्ट करना। सो अब से यू गाइज विल सी द एंटायर मेकओवर प्रोसेस ऑफ दिस हाउस, एंड आई डोंट नो इफ आई एम गोना हायर अ इंटीरियर डिजाइनर और नॉट, बट मोस्टली आई बी डूइंग इट ऑन माय ओन, आई हैव अमेजिंग आइडियाज फॉर दिस हाउस, तो पूरा वो वीडियोस अभी आप फॉलो करना आज से, हाउ वी आर मेकिंग इट एंड यू गाइज विल एंजॉय। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।